नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फास्टवे केबल के माफिया राज और गुंडागर्दी के खिलाफ केबल ऑपरेटर्स ने सीपी कार्यालय के सामने किया रोष प्रदर्शन। गुरदीप सिंह, सरबजीत सिंह राजू और सनी गिल का पुतला फूंक की नारेबाजी। संगरूर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक चोर को किया काबू। सोने चांदी के आभूषण और एक स्कूटी की बरामद। श्री सिद्ध बाबा सोडल जी के मेले को लेकर श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट और चड्डा बिरादरी ने जलंधर पुलिस कमिश्नर के साथ की मीटिंग। सुरक्षा प्रबंधों को लेकर किया विचार विमर्श। और अब हलचल विस्तार से। कहते हैं कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वह एक ना एक दिन फूटता ही है। ऐसा ही हुआ फास्टवे कंपनी के मालिकों गुरदीप सिंह, सरबजीत सिंह राजू और सनी गिल के साथ, जिसके चलते जलंधर के पुलिस कमिश्नर कार्यालय के समक्ष पंजाब के अलग अलग राज्यों से आए केबल ऑपरेटर्स व कर्मचारियों की ओर से फास्टवे कंपनी के मालिकों की गुंडागर्दी, धक्केशाही और माफिया राज के खिलाफ गुरदीप सिंह, सरबजीत सिंह राजू और सनी गिल का पुतला फूंक कर जमकर रोष प्रदर्शन किया गया। इस दौरान इकट्ठा हुए सैकड़ों की संख्या में केबल ऑपरेटर्स ने कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री ने केबल माफिया को खत्म करने के लिए अपनी आवाज बुलंद की है, जिसके चलते डीएस केबल ने बहुत ही कम समय में पंजाब के लोगों के दिलों में जगह बनाकर फास्टवे के माफिया राज को खत्म करने की चुनौती दी है। और फास्टवे कंपनी के मालिक डीएस केबल की थोड़े समय में ही बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर अब गुंडागर्दी और ओछी हरकतों पर उतर आए हैं, जिसके विरोध में पंजाब के केबल ऑपरेटर्स अब डीएस केबल के हक में उतर आए हैं और फास्टवे केबल के मालिकों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसरान केबल ऑपरेटर्स ने कहा कि जिस इंसान ने फास्टवे केबल के माफिया राज और गुंडागर्दी को खत्म कर केबल ऑपरेटर्स को राहत दिलाई है और लोगों को बहुत ही कम दामों में अधिक से अधिक चैनल उपलब्ध करवाए हैं, ये लोग अब उस महान व्यक्ति को बदनाम करने के लिए ओछी हरकतों पर उतर आए हैं और उनके प्रति भद्दी शब्दावली का इस्तेमाल कर उन पर बेबुनियाद आरोप लगाकर डीएस केबल की छवि को जानबूझकर खराब कर रहे हैं। और अब केबल ऑपरेटर फास्टवे केबल के माफिया राज और गुंडागर्दी से आजाद हो चुके हैं, इसलिए अब वे इनके अत्याचारों को और अधिक सहन नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने पुलिस प्रशासन से फास्टवे केबल के मालिकों गुरदीप सिंह, सरबजीत सिंह राजू और सनी गिल के खिलाफ मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिसके चलते उनकी ओर से फास्टवे केबल के मालिकों गुरदीप सिंह, सरबजीत सिंह राजू और सनी गिल का पुतला फूंक कर अपना रोष जाहिर किया गया। इस दौरान केबल ऑपरेटर्स की ओर से एक मांग पत्र पुलिस कमिश्नर जालंधर गुरशरण सिंह संधू को सौंपा गया, जिसमें फास्टवे केबल के माफिया राज और गुंडागर्दी को खत्म कर उन्हें इंसाफ दिलाने की मांग की गई। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर गुरशरण सिंह संधू ने कहा कि वे इस मामले की निष्पक्ष जांच कर बनती कार्रवाई कर इन्हें इंसाफ दिलाएंगे। जलंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत, जतिन राजपूत, पवन कनौजिया, जतिन वर्मा के साथ पंकज शर्मा की रिपोर्ट। We'll be right back.
पंजाब दा केबल माफिया हाय हाय गुरदीप ते राजू बाय बाय फास्टवे खिलाफ जलंधर दिया सड़कां ते उतरे केबल ऑपरेटर गुरदीप ते राजू दे साड़े पुतले कीती जोरदार नारेबाजी सरकार नू इंसाफ ली लाई गुहार अज जलंधर दे विच केबल ऑपरेटरां दे वल्लों फास्टवे दी धक्केशाही ते गुंडागर्दी दे खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कीता गया भारी गिणती दे विच केबल ऑपरेटर इकट्ठे होए जिन्हां दे वल्लों नारेबाजी की गई अते मंग की गई कि ओह फास्टवे दीआं धक्केशाहियां तो अक चुके ने ते हुण उन्हां नूं इंसाफ चाहीदा है पुलिस अते सरकार इस दा माफिया राज खत्म करे प्रदर्शनकारियां दा कहना सी कि जो गुरदीप अते राजू ने नजायज़ जमीनां दे उपर कब्जे कर करके अपनियां प्रॉपर्टियां बनाईयां ने उन्हां दी जांच की जाए ये दोवें 14 सालां तों केबल ऑपरेटरां दा खून चूसते पए सी ते अज जो कदे खुद तारां कटदे सी उही तारां कटण दीआं शिकायतां दे रहे ने जदकि हुण वी इह अपणीआं तारां खुद ही कटदे ने अते फिर दूजिआं दे सिर दे उपर इल्जाम लगा दिंदे ने इसे दे चलदे मंग कीती गई कि इहनां दे खिलाफ सख्त कारवाई कीती जावे अते पंजाब दे विचों केबल माफिया दा नामो निशान मिटाया जावे दसदी कि केबल ऑपरेटरां दा गुरदीप राजू अते इस दे नाल नाल सनी गिल दे खिलाफ वी जम के गुस्सा फुटिया जिन्हां दा कहना सी कि साडे खून पसीने दी कमाई चूस चूस के ही सनी गिल स्कूटर तो BMW तक पहुंच गया इसलिए मंग कीती गई कि सनी गिल जो शराब माफिया अते भू माफिया दे नाल जुड़िया होया है उसकी भी जांच कराई जावे ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਗਨ ਬਣਿਆ ਕਿ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਾਰੇ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੀਤਲ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਨਾਵਟੀ ਢੋਂਗੀ ਡਰਾਮੇ ਰਚ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਟ ਮੁੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ ਖੁਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪੁੱਟ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪੰਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 6 ਕਰੀਬ FIR ਹੋਈਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਅਫਸੋਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੀ ਅਗਲੇ 30-40 ਮਹੀਨੇ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਪਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਦਾਰ ਆ ਅਸੀਂ ਲੁਟੇਰੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜਦ ਕਿ ਗੱਦਾਰ ਹੈ ਆਪ ਨੇ ਚੋਰ ਹੈ ਆਪ ਨੇ ਡਾਕੂ ਹੈ ਆਪ ਨੇ ਜੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਰ ਫੀਡਰ ਨਾਲ ਫੀਡਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਫੀਡਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫੀਡਰ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਅੱਧੇ ਫੀਡਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਤਕਦੀਰ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖੂਨ ਚੂਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਫਾਸਲੇ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਸਲੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਲ ਸਾਲ ਦੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਏਡੀਜੈਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਸਲੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਾਸਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ
दैनिक सवेरा बदनाम करने लई डी एस केवल बदनाम करने लई और सब तो वध साडे हरमन प्यारे शीतल बाऊ नूं बदनाम करने लई वो बहुत ही निंदनीय योग है। मैं समझता हाँ कि जे वो उन्होंने एक माड़ी जी भी मानवता का अंश होता ना तो वो इदा के लफ्ज यूज ना करते जिदा के उन्होंने कल किए हैं। कहते ने आप किसी बार एक उंगली करते हैं ना तो साढ़े हाथ दिन तीन उंगलियां साढ़े वाल इशारा कर दी कि वो वाल उंगल कर तो पहला तीन बारी अपने गिरेबान वाल झाको कि तुम की सी कल ये राजू कटारिया गिल तो इन्होंने चाली चोर भुल गए कि यह कितों उठे ने तो अज कि बैठे ने लोगों का खून चूस चूस के जेडे ये अज वड्डियां गड्डियां दे विच डेढ़ डेढ़ करोड़ गड्डियां दे दिया विच घूमते हैं ना इन्हों की औकात जी सी ना रिक्शा की सी कैंची चप्पला पा के घूमते होंगे सी दिन भुल गए कि डेढ़ करोड़ की गड्डी दे विच अज असीं घूमते पे हाँ तो डेढ़ करोड़ की गड्डी साढ़े को आई कितों इन्होंने केवल फेरने का खून चूसिया उत्थे ही बस नहीं की जेडे पैसे तुहानू केवल प्लेटर दिता ही वह लोगों को लैके दिता सी कस्टमर को लैके दिता ही अज जे केवल ऑपरेटर राहत की सांस लेंदा पिया ना तो वो वह राहत की सांस जोड़े है महला वासी लेंदे पे ने जिन्होंने 100-200-250 रुपए के केबल मिलती पी है। ठीक है ना ये कहीं केवल ऑपरेटर दसीसा नहीं इन्होंने लिया महला निवासियों दिया पूरे शहर दिया पूरे पंजाब दिया दसीसा के आज ये हकदार ने किन्ने लोगों ने खुदकुशी की इन्हों का इस गल का इलम भी नहीं मजबूर किया इन्होंने लोगों ने लोगों डरा के धमका के अपना आप अपना घर बार बेचने लिए अपना सब कुछ गवाया लोगों ने इन्हों के नाल जुड़ के नहीं करेगी, 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 नहीं करेगी,
ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗੀ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗੀ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹੀ ਜੋਰ ਹਮੀ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹੀ ਜੋਰ ਹਮੀ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹੀ ਜੋਰ ਹਮੀ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਬਹੁਤ ਪੀੜੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹਮੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਪੀੜੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹਮੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਪੀੜੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹਮੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ हर काम भलाई का काम करते हैं पूरे पंजाब जलंधर कोई भी वासी चल जाए उन्होंने पूरे ही मदद करते हैं गल सुनते हैं लेकिन अज जी फास्टवे धक्केशाही कर रही है कि शीतल विच शीतल बाऊ जी ऐसी सोच करके अज जलंधर शहर हर घर च केबल लगन जा रहे हैं जो लोग चार चार सौ पांच पांच सौ केबल नहीं भर सकते थे उन्होंने घर केबल नहीं चलती थी अज सस्ते रेटा पूरे चैनल एच डी क्वालिटी उन्होंने घर केबल चल रही हर गरीब परिवार हर बच्चा अज केबल देख रहा है जिन्होंने घर जिन्होंने कभी सोचा नहीं साढ़े घर केबल चलेगी हरमन प्यारे भरा कह लो चाचा कह लो ताया कह लो शीतल विच जी का इन्होंने बड़ा अपमान किया शब्दावली यूज की जिहड़ी काबल नहीं सी भुल गए कि जो जलंधर के जगराते शुरू हुए थे शीतल बाऊ जी किसे इंसान सी जिन्होंने कभी धर्म वास्ते कभी किसी को ना नहीं खोली अपने खजानिया का मूँह खुला रखिया एक टाइम सी जो असी उन्होंने दानवीर कर्म का नाम दिता सी अज उन्होंने उस दानवीर कर्म का अपमान किया जरा असी बर्दाश्त नहीं करांगे जवाब दे चुका अपील करते हैं कि अपने मुंह तारे ला लो नहीं तो साडे जी अज शब्दावली असी वरती है ना इतो माड़ी शब्दावली साडे को होर बड़ी है राजू भाई मुर्दाबाद राजू अते भाई साडा कोई भाई नहीं गुरदीप ते राजू मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुतला नी जेड़ा लोगों ने धक्का करते ही ना ओला पुतला है फूकिया उन्होंने धक्के का पुतला फूकिया महाराज ये लोगों को धक्के ना पै लेंगे जिन्ना चिर इना जी फास्टवे केवल चलती ही पूरी धक्केशाही चलती ही सारे ऑपरेटर सारे ऑपरेटर धक्के को पैसे लेंदे ऑपरेटर उन्होंने एक ऑप्शन देते या पैसे रखो या बाहर हो जाओ देखो उन्होंने पैसे लगे होंगे लखा रुपया तारा के लगे होंगे उन्होंने लखा रुपया तारा के लगे होंगे सके ये रुपये की परवाह नहीं करते ही धक्के हर बंद हर बंद बहुत धक्का करता ही पब्लिक ना बहुत धक्का करते ही इस करके अब हम धक्के का अंत होया पहलिया सरकार इन्होंने रलिया सगिया हूँ आम आदमी पार्टी की सरकार है जी बिल्कुल आम लोगों की है
जिन्होंने कहा भी आम लोगों का फायदा हो किते यहोजे तगड़े बंदियां ना फायदा ना होवे जेडे आम लोगों नूं पीसदे होण। इस करके जेडी हुण दूजी केबल आई है इन्हां नूं सारा ए है भी लोकी उन्हां दे डब्बे लवाउण लगे, लोकी ज्यादा उन्हां दे डब्बे लवाउण लगे, इन्हां दे बंद करते आ डब्बे। इस करके इन्हां ने कल प्रेशर सरकार है ना जेडी प्रशासन है कल इन्होंने जो भी किया सिर्फ प्रशासन से दबाव बनाने नूं किया भी प्रशासन इन्हां दी गल्लां जाके आप ही ये तारा वढ़दे है। किन्नी बारी प्रूफ हो गया इन्हों बंदे आप तारा वर्दे फड़ ले ठीक है जी, फिर भी ये झूठा प्रेशर से प्रेशर बनाते ही अपना प्रशासन से ता जो ये प्रशासन साढ़े से परचा करे तो इन्हों शांति मिले। लेकिन जोड़ा प्रशासन वो बिल्कुल सही है, वो अपना सही काम करता पाया और जोड़ा बंदा गलत करता वो गलत हो रहा, जोड़ा सही है सही है, असी 100% सही है। असी किसी के घरों कोई फालतू डब्बा नहीं चकिया, कोई फालतू तार नहीं कट्टी, किसी को नजायज पैसे नहीं ले, इन्हों के लोगों ने डब्बे लाते जिरा इन्हों सड़ा पिया हो। इस करके जो ये काम करते पे ने ना ये काम करने इन्हों की दाल नहीं गलनी, जिन्हें मर्जी धरने ला लें जो मर्जी ला लें झूठ झूठ ही है ठीक है कि नहीं। अच्छ सारे ऑपरेटर है कोई बहरला बंदा नहीं है। इस करके राजू जेड़ा तू लाना ना फुटू लाना इधर जो नहीं चलना जो दिन काम है कल है कोई चक्कर नहीं देख लेंगे। इन्हों कोई शर्म रही फास्टवे वालों सारी दुनिया के सारे पंजाब के लोगों के डब्बे जोड़े उन्होंने घर पे ने उन्होंने हजार हजार दो हज़ार रुपया इन्होंने एडवांस लिता होना वापस देन जे अपने प्यो देने ठग चोर भुखे लुटेरे खो के खाने वाले शर्म आनी चाहिए साढ़े अड़के शरीफ ऑपरेटर के रोज तुम केबल बंद करते मैसेज लाता सी दो बारी पेमेंट लाते एक बारी चेक ला देंगे सी बाउंसिंग दे एक बारी कैश पैसे लाते शर्म आनी चाहिए थानू साड़ी कोई सुनाई नहीं हुई। सारा कसूर फास्टवे के एम्पलाई का, लेकिन लोगों कर्जा ही करता ऑपरेटर शरीफ बंद अज अपना दुख रोंदे ने इन्हां दे अगे। सो सारे लोगों पब्लिक नूं शांति है कि ये खुशी की गल है फास्टवे का इन्ना वड्डा गुबार असीं पब्लिक वल्लों कढ रहे हां। ये कारण ही है जी फास्टवे बरखलाफ तां कीता है भी कल जो इन्होंने काम किया जी इन्होंने कल जो काम किया प्रशासन के जिदा प्रैशर बनाने उन्होंने कल धरना किया एक एवं बंदे कट्ठे करके इन्होंने जो प्रशासन से दबाव बनाने की कोशिश की भी साढ़े बंद जोड़े ऑपरेटर ने उन्होंने झूठा परचा पाया जाए तो शीतल बाबू जी की जो छवि है वधिया उन्होंने खराब करने की कोशिश की। इस करके अज उन्होंने बरखिलाफ असी यह जोड़ा धरना है असी अज उन्होंने बरखिलाफ लाया। देखो तुम आप देखो लोग इन्हों तो कि दुखी है ये मिनट च हर 15-20 दिन दो महीने बाद ये रेट बढ़ा देंगे थे ठीक है जी मिनट च 400 मिनट 480 380 280 लोग परेशान से उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं सी जे वो कितने डिश लवाते वह भी महंगी पैंती सी और लिमिटेड चैनल होंगे तो कोई ऑप्शन नहीं सी जे जब भी हूँ ऑप्शन आई है लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर को जोड़े है अपना ऑपरेटर को ऑप्शन आई है तब ये परेशान होए पे ने क्योंकि इन्हें ये जोड़े काम करते ना डिस्ट्रीब्यूटर तो जोड़े ऑपरेटर थे उन्होंने को पैसे लेंदे ज़्यादा ठीक है जी मिनट से डब्बे बंद कर देंगे ही धक्का इन्ना करते ही जो बंदा दो दिन भी लेट हो जाए तो ना ही डब्बे बंद वो उत्तों दुखी हो गए लोगों ने इन्हों का साथ छड़ता हूँ इस गलों परेशान ने भी सारे बंद ने साडा साथ छड़ता वा कोई इन्होंने डब्बे चला के राजी नहीं ठीक है जी तो उन्होंने इन्होंने को हल है नहीं गा तो इस करके नजायज यहोजे काम करते हैं साढ़े आप ही अपनी तारा बढ़ते ने असी बंदे फड़े भी ने इन्होंने तारा बढ़ते ठीक है जी पर अभी फिर भी कोई इन्ना किया नहीं ये झूठे सड़ते और रोप लाते भी तारा बढ़न दे या दूजे तीजे ऑपरेटर लड़ाई झगड़े दे ये झूठे ऑपरेशन लाते ने रोप ता जो लोगों को कहते प्रशासन से दबाव बनाते भी सड़ते परचा हो प्रशासन अपनी जगह बिल्कुल ठीक है ठीक है जी वो कोई गलत काम नहीं करता ना उन्हें कोई गलत परचा किया वा तो ना होना वा ठीक है तो इस करके इन्हें जो गलत धक्का किया आप रोकन से अज किया फास्टवे जी देखो पहला 14 साल इन्होंने धक्का किया वा हूँ दोबारा धक्के सानू फसाने की कोशिश कर रही है बे अपन तारा आप कट के साढ़े तो झूठे परचे कराने की कोशिश कर रही है वो वो आप अपना पक्ष देन आए सी पी साहब ना सारिया साढ़े को भी रिकॉर्डिंग असं कितने कितने से तो की है करते पे अपन तारा आप ही कट के सानू बदनाम करने की कोशिश करते पे तो ना जो इन्होंने घर धरना लाया सी कोई भी जगंधर का केबल ऑपरेटर इन्होंने नहीं सी पेड़ बंदे लैके आए हैं
अज तुसी देख सकते हो सारे जलंधर शहर के केबल ओपरेटर आए हैं, कोई इदा की गल नहीं जिदा की इन्होंने कल गल दिखाई है। सरेआम मैं झूठ बोलते पे है इन्हों का। हुण इन्हों एक गल दसना चाहना कि अकाली दल की सरकार नहीं रही जिहड़ा है धक्का कर लेंगे। देखो हाई कोर्ट तो मैनू उच्च राहत मिल चुकी है, थोड़ी देर तक मेरा केस भी जिहड़ा वो खत्म हो जाऊगा। झूठ बोल के इन्हां ने परचा कराया सीगा, वो सारे अपने जिहड़े फैक्ट सीगे मैं अपने वल्लों जो भी सीगे देते आ, ते वो सारी अपना हाई कोर्ट ने भी देख लिया। हाई कोर्ट ने ऑर्डर इन्हां मैनूं बेल भी देती है, बाकी हुण थोड़ी देर तक जिहड़ी मेरी एफ आई आर वो भी कैंसल हो जाऊगी। जिहड़े कल धरना ला रहे सी किसे टाइम ते उत्ते वो बस स्टैंड दे विच वी धरना लांदे पए सी, वो पता नहीं सर इन्हां ने हुण देखो एवें करी जाते हैं कि सोचते हैं कि धरना ला के पुलिस को झूठ बोल के परचे करावे, उदा होने तो है नहीं। कोई सर मारकुट नहीं हुई, अगर मारकुट हुई है कितने बंदे है, सीसीटीवी कैमरे लगे है, सब कुछ लगे है। बंदियां नूं इन्हां दे पुछ रहे हैं, वो कहिंदे असीं डर गए सी, असीं घर बह गए सी एक दिन, इदा भी कोई जंगल राज चलता पे इदा हो सकता जो ये गल्लां करदे पे। हाँ जी मैं सम्राट शर्मा लुधियाने तो हाँ जी, मैं दैनिक सवेरे मार्च च आया। इस तो पहला मैं फास्टवे केबल चलांदा सी, करोना दे विच मैनू करोना हो गया सीगा जी, डेढ़ महीना मैं बीमार रहा। 1200 रुपये पिछे इन्होंने मेरी 10 दिन केबल बंद रखी है। मेरे घरदियां ने हस्पताल च मूवी बना के भी भेजी भी साडा बंदा बीमार है जी, पैसे बाद च दे दांगे, पर ये मन्ने नहीं। सर इन्ना धक्का करते हैं जी, जो इन्हे डायरेक्टर ने लुधियाने के राजा वो राजा होर जो भी सी, वह अपने डब्बे की बिलिंग भी ऑपरेटर पा देंगे जी, किसी वाल 40 किसी वाल 30 डब्बे पाते जी, उन्होंने बिलिंग भी सानू देनी पैंदी। सब तो बेईमान डायरेक्टर ने फास्टवे दे, होर भी कंपनियां जिहड़ियां पार्टनरशिप करदियां वह कहिंदे साडे जिहड़े पार्टनर आ जिहड़े साडे वर्कर आ उपर वधण तां कि कंपनी उपर वधे, लेकिन फास्टवे ऐसी कंपनी है ये अपने वर्करां नूं अपने ऑपरेटरां नूं दबा के रखदी है जी, खत्म कर दिंदी। कई ऑपरेटरां ने आत्म हत्या कर ली, जिहड़ा राजा बोरा वह रेडियो टैलीविजन के स्पीकर टांके लगा जी 5-5, 10-10 रुपये के, अब वो करोड़पति अरबपति है। मैं तो यह कहना CBI तो जांच होनी चाहिए भी ये कोई पैसा इन्ना आया कितों, इन्हों के पोते फरोलने चाहिए सारे, सारे बेईमान है सारे भ्रष्ट है, इन्होंने ऑपरेटर का खून पीता। असी दैनिक सवेरा च बहुत खुश हैं जी, धन्यवाद। हाँ जी नमस्कार जी, आए हुए वीर ऑपरेटर के बहुत शीतल विजरे और सब तो ज्यादा लवली भाजी जिन्होंने सानू DS के नाल जोड़िया, सानू एक सच का राह दिखाया। आपां बटाला रोड मुस्ताबाद अमृतसर से सब तो पहला लवली भाजी को गए आप जो समझाया ऑन दी स्पोर्ट, उस वेल मेल करके 550 कनैक्शन वाईफाई का ही 1500-1600 कनैक्शन साढ़े केबल का ही, अभी बंद कर दो अभी नहीं चलाना। उन्हें अगले दिन ही बंद करते, अपना नाल ही DSA डब्बे लाने शुरू करते, फास्टवे की नैट की पूरी टीम नैट दे मकैनिक अपना दूजे केबल दे, आपां 3 भरा ते 1 मेरा बेटा अभी डटे हुए हैं, पूरा कसून वार के रखा पूरा अंदर उन्होंने, तो ना उन्हें अभी डरे हैं, अभी नहीं डरते उन्होंने, क्योंकि इंसान आ। एक मिसाल दें केजरीवाल साहब दिल्ली के CM किहदे नाल बंदा लिया उन्हें, पूरे पूरा इंडिया के पिछे पिया 3 बारी CM बनिया दिल्ली का, बाकी मैं ना ही लाना चाहता अपने पंजाब दे विच सरदार CM भगवंत मान सिंह जी ने इन्ना वधिया काम करना शुरू करता, एक नवी सस्ती केबल लोगों वास्ते अगे दे दिती है, क्योंकि फास्टवे वाले 330, 380, 430, 480, 580, यानी कि सानू लाता कि लोगों के खून निचोड़ो तो सानू दई जाओ। यह चीज़ा सोच समझ के आप एक मिनट नहीं लाया, इन्हों का नैट 550 कनैक्शन OLT 3 मेरे ऑफिस रखिया ही फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई किराया नहीं, चुके बाहर मारी आप राजो मिलो, तो अज तरले मार मारते पे आ 6-6 हज़ार 10-10 हज़ार किराया देते उस OLT का,
ਤੇ ਆਪਾਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਘਬਰਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀਰੋ ਬਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਰੋ ਨਹੀਂ ਜੀਰੋ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਜੇ ਦਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜੀਰੋ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਹੁ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿਜ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਫਸਟ ਵੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਔਰ ਝੂਠੇ ਔਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਰਪਟ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਠੱਗ ਠੱਗ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਫਾਸਟਵੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਖਬਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਫਲੋਰ 'ਚ ਕੇਬਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਸਟਵੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੈਂ 20 ਡੱਬੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਫਾਸਟਵੇ ਕੇਬਲ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਤੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਡੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜੋੜ ਵਸੂਲੀ ਹਰ ਗਰਾਊਂਡ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਸੰਨੀ ਗਿੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਚੋਰ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਚਤਰ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਡੱਬਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੀੜਿਤ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤਾਈਂ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ DS ਕੇਬਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਂਟੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ CP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਭੀੜ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗਰਾਊਂਡ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਾਸਟਵੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਜੀ DC ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਉਹਦਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵੜ ਗਿਆ ਮਾਫੀਆ ਗਰਾਊਂਡ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਥੱਲੇ ਸਬ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਆ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕਟਾਰੀਆ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ 45 ਰੁਪਏ ਡੱਬਾ ਲਈ ਜਾ 20 ਰੁਪਏ ਡੱਬਾ ਤੂੰ ਰੱਖ 20 ਰੁਪਏ ਡੱਬਾ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਹੱਦੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਨਾਲੇ ਚੋਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਚਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਗੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 1.5-2 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਉਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ VCR ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ VCR ਅਤੇ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਰਿਲੇਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਦੀ ਉਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਾ ਕੇਬਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਾਸਟਵੇ ਦੀ ਕੇਬਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕਈ ਓਪਰੇਟਰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਘਟੀਆ ਕੇਬਲ ਆ ਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਕੇਬਲ ਆਈ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੇਬਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਫਾਸਟਵੇ ਦੀ ਕੇਬਲ ਸੀ
ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਟੀਆਂ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਨੇ ਗੱਟੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਪੇਡ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਓਪਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਓਪਰੇਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਓਪਰੇਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੇਡ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਆ। ਫਾਸਟਵੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕਲਪੇ ਹੋਏ, ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਆਏ ਪਏ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਜੋਤੀ ਕੇਵਲ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ, ਫਾਸਟਵੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੇਵਲ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ 15-20 ਬੰਦੇ ਭੇਜਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੱਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਗਾਹਕ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਫਾਸਟ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਹਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਮੋਤਾ ਸਨਗਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੇਬਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 26-27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੇਬਲ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 14-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਾਸਟਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿਕ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 5-5 ਏਕੜ ਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੇਬਲ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਕੇਬਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੇਬਲ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੇਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਡੀ ਐਸ ਕੇਬਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫੇਅਰਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂ। ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ? ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਮੈਰਿਟ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਤੇ ਸਰ, ਵਾਇਰ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸਟਮਰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੌਂਸਟੀਚਿਊਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਕੁਰ ਗੁਪਤਾ DCP ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਥਾਪੇ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਿਆਫਤ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਏਗੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਆ ਹੈ ਜੋ ਚੋਰੀ ਕੀਏ ਗਏ ਸਵਰਨ ਵ ਚਾਂਦੀ ਕੇ ਆਭੂਸ਼ਣੋਂ ਕੋ ਬੈਂਕ ਮੇ ਰੱਖ ਕਰ ਲੋਨ ਲੇਨੇ ਕੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧੋਂ ਮੇ ਲਿਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ DSP ਅਜੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਆਰੋਪੀ ਕੋ ਕਾਬੂ ਕੀਆ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਪਾਸ ਸੇ ਸੋਨੇ ਔਰ ਚਾਂਦੀ ਕੇ ਆਭੂਸ਼ਣੋਂ ਸਹਿਤ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਪਕੜੇ ਗਏ ਆਰੋਪੀ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਰੋਪੀ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਮੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਮਾਂਡ ਪਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਸੇ ਆਗੇ ਕੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸਸੇ ਔਰ ਵੀ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣੇ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਜਸਵੀਰ ਮਾਨ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਥਾਣੇ ਦੇ SHO ਸ੍ਰੀ ਬਣੇ SHO ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸੀ ਵਾਸੀ ਸੰਗਰੂਰ, ਜੋ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਗ ਸੀਗਾ, ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦੇਵਕੀ ਨੰਦਨ ਵਾਸੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਘਰ
चोरी की सी घरों इन्हें सुने के गहने चांदी स्कूटरी होर कोई समान इन्हें मतलब चोरी किया अज बेचन नू जा रहा इस समान जिहड़ा इन्होंने फड़िया सी जिहड़ा इन्हें देवकी नंदन के घर चोरी की सी वो संबंध में पहले ही थाना सिटी के 160 नंबर मुकदमा दर्ज होया हुआ सी जो इन्होंने बरीकी दे नाल पुछगिछ की ये को जी स्कूटरी सी वह भी चोरी की बरामद हुई तो इस तरह इसने सारा अपना मन लिया भी मैं घर जी चोरी की सी ना। श्री सिद्ध बाबा सोडल जी के 9 सितंबर को आ रहे मेले को लेकर श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट एवं मंदिर समिति और चड्डा बिरादरी की ओर से पुलिस प्रशासन के साथ एक मीटिंग पुलिस आयुक्त कार्यालय में की गई, जिसमें चड्डा बिरादरी के प्रधान विपिन चड्डा बब्बी, श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट के जनरल सचिव सुरेंद्र चड्डा व अन्य सदस्यों की ओर से पुलिस कमिश्नर जलंधर गुरशरण सिंह संधू और DCP नरेश डोगरा के साथ मेले में आने वाले लाखों भक्तों की सुरक्षा हेतु पुलिस द्वारा की जा रही तैयारियों संबंधी विचार विमर्श कर रूपरेखा तैयार की गई। इस मौके पर अतुल चड्डा, विवेक चड्डा, नरेश सहगल, आदर्श चड्डा, राजन शारदा सहित चड्डा बिरादरी के सभी सदस्यगण मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। आज सारे ट्रस्ट के मेंबर साहबान और होर मुअज्जज सज्जन साडे कोल इत्थे आए हैं और असी विचार वटांदरा कीता है कि किस तरीके नाल असी ये मेले नूं वधिया तरीके नाल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उहदे च वख-वख पहलुआं संबंधी डिस्कशन हुई है और वो सारिया चीज़ा जिहड़ियां आने वाले समय के मुश्किल का कारण बन सकदियां उन्हां दा पहले समाधान लभण वास्ते असी कुछ गल्लां सांझियां कीतियां और मैनूं उम्मीद है कि यह मेला वधिया तरीके नाल निर्विघन करवाया जाऊगा और जिन्ने श्रद्धालु आउणगे श्रद्धा की भावना नाल वो खुशी के वधिया माहौल दे विच इस मेले नूं सैलीब्रेट करनगे और अपनी आस्था मुताबक जिहड़ा हैगा आ दर्शन। बरनाला के प्रसिद्ध संत व महान तपस्वी श्री श्री 108 सिद्ध बाबा इंद्रदास जी महाराज की 41वीं पुण्यतिथि उनके तपोस्थान बरनाला बठिंडा मुख्य मार्ग पर स्थित डेरा बाबा इंद्रदास में डेरे के मौजूदा संचालक संत बाबा भगवान दास जी की देखरेख में बड़ी श्रद्धा और हर्षोल्लास से मनाई गई। उनकी पुण्यतिथि संबंधी कार्यक्रम एक सप्ताह पहले ही आरम्भ हो गए हैं, जिसमें श्रीमद् भागवत कथा श्रीचंद सिद्धांत सागर के पाठ करवाकर उनके भोग डाले गए। इसके अलावा माँ भगवती की चौकी भी करवाई गई, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक हरजोत बाबा और राधिका गार्गी ने माँ भगवती की महिमा का गुणगान किया। गद्यवश ये कार्यक्रम एक मेले का रूप धारण कर गया। इस मौके पर शहर के एक दर्जन के करीब समाज सेवी संस्थाओं ने डेरे में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के स्टॉल, जलजीरा और ठंडे मीठे जल की छबीले लगाकर बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान दुकानदारों की ओर से खिलौने व अन्य सामानों की दुकानें और बच्चों के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के झूले भी लगाए गए। इस दौरान आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग प्रकार के लंगर भी लगाए गए। वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन को ट्रैफिक रूट डायवर्ट करना पड़ा और पुलिस प्रशासन की ओर से थाना प्रभारी जगजीत सिंह और सिटी इंचार्ज सरबजीत सिंह की निगरानी में कड़े प्रबंध भी किए गए। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। गत दिनों अमृतसर के नजदीकी गांव डडुआना में मसीही भाईचारे की ओर से किए जा रहे प्रचार समागम के दौरान उनका निहंग सिंहों के साथ विवाद हो गया था, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आई थी। इसके बाद निहंग सिंह जथेबंदियों के ऊपर मामला भी दर्ज किया गया, लेकिन अब गांव डडुआना और उसके नजदीक लगते गांव के लोगों ने मीटिंग करके ये फैसला दिया है कि डडुआना गांव के बाहर जो पास्टर सुखविंदर राजा की ओर से मसीही प्रचार किया जाता है, उस प्रचार को नहीं होने देंगे। इस संबंध में पत्रकारों को जानकारी देते हुए गांववासियों ने कहा कि बहुत देर से डडुआना गांव के बाहर मसीही भाईचारे के लोगों द्वारा प्रचार किया जाता है, जिसमें प्रचार कम और पाखंडवाद ज्यादा नजर आता है। ये लोग ऊंची आवाज में DJ लगाकर गांव वासियों को तंग परेशान करते हैं और लोगों को भ्रम और वहमों में डालते हैं, जो कि बर्दाश्त से बाहर है। उन सभी की ओर से निहंग सिंहों को वहां बातचीत करने के लिए भेजा गया था, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने निहंग सिंहों के साथ झगड़ा किया था और उल्टा निहंग सिंहों के ऊपर ही मामला दर्ज कर दिया, जिसकी सभी गांववासी पुरजोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में गांव डडुआना के बाहर अब मसीही प्रचार नहीं होने दिया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। 3 महीने पहला भी उन्होंने इस पास्टर दे नाल संपर्क किया, पर उदों भी इन्होंने हुल्लड़बाजी की,
उदों पुलिस प्रशासन ने समझा के ते उदों वापस भेज दिता। निहंग जथेबंदियां ने डी एस पी साहब नूं उदों भी जिहड़ी सी उह अपनी शिकायत दर्ज करवाई सी कि साडी इन्हां दे नाल तुसीं मीटिंग करवाओ, असीं इन्हां नूं समझाउणा चाहुंदे हां, पर उदों प्रशासन ने इस गल वल कोई ध्यान नहीं दिता। तो ऐरकी जदों उत्थे ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਵੀ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਜੇ ਸਾਊਂਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨੁਸਕਾਮੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਸਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰਾਜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮਹਿਤਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਅੱਡਾ ਡੱਡੂਆਣਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 1 ਦਾ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਲਗਾਇਆ ਸੀ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਈਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਘੱਲੀਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਆਖਦਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ 295 ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 295 ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ 295 ਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਂ ਅਗਰਣੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ ਫੁਲਕਾਰੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ अमृतसर में अपने सदस्यों के लिए एक वित्तीय फिटनेस बूट शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिलाओं के लिए भारत के पहले वित्तीय मंच LXME के संस्थापक और प्रबंध निदेशक प्रीति राठी गुप्ता द्वारा सत्र प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर प्रीति राठी ने बताया कि सत्र का उद्देश्य महिलाओं को अपने व्यक्तिगत वित्त का प्रभार लेने की आवश्यकता को समझना है और विभिन्न स्तरों पर सदस्यों को सशक्त बनाने के अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्योंकि ये सही माना जाता है कि आर्थिक रूप से फिट होने का अर्थ सही अर्थों में स्वतंत्रता में बदल जाता है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। My day today was completely made because one, I'm in Amritsar, which I love as a city, but even more because I was in a room full of women who wanted to talk about money, women of all ages, elder women, young girls, and it's so heartwarming to know that today's woman wants to know how to manage her money, wants to take charge of her money, and it's not when a woman takes charge of her money, we are looking at happier families, better social, economic conditions around us. So it's been a great day. I am so, so happy with the way things have been done. But most importantly, Fulkari is just amazing. The community, the eagerness, enthusiasm of the women, and really the number of women in the hall. I thoroughly enjoyed myself. I was previously taking gold bonds, but she has shown that there are women with gold bonds and mutual funds also. So that's better to invest there. So I am really looking forward for the government plan also. इंडियन क्लासिकल डांस, म्यूजिक और संस्कृति को प्रमोट करने के लिए बनाई गई स्पिक मैके संस्था के संस्थापक और पद्मश्री डॉक्टर किरण सेठ की ओर से 15 अगस्त से लेकर 31 जनवरी तक कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल पर अंत यात्रा की जा रही है, जिसका उद्देश्य समाज में महात्मा गांधी जी के संदेश सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का प्रसार करना है। इसी संदर्भ में
स्पिक मैके जलंधर चैप्टर के सदस्यों की ओर से डॉक्टर किरण सेठ का 1 सितंबर को जलंधर पहुंचने पर अलग अलग स्थानों पर भव्य स्वागत किया जा रहा है, जिसके चलते 1 सितंबर को सुबह 9 बजे संस्कृति की एमवी स्कूल, दोपहर 3 बजे पंजाब प्रेस क्लब जलंधर और दोपहर 4 बजे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्वागत एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद 2 सितंबर को सुबह 10:30 बजे दिल्ली पब्लिक स्कूल के पश्चात दोपहर 3 बजे डेविएट में वॉलंटियर्स मीट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पद्मश्री डॉक्टर किरण सेठ युवाओं व छात्राओं से रूबरू होकर उनका मार्गदर्शन करेंगे। ये जानकारी स्पिक मैके जलंधर चैप्टर के सदस्य गुरविंदर सिंह ने एक विशेष भेंट वार्ता के दौरान दी और उन्होंने सभी जलंधर वासियों से इस सम्मान समारोह में भाग लेने की अपील भी की। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें युवा व बाल गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद वीनू सहगल, गोपाल पांडे, विन्नी सांवरिया, चंदर कन्हैया, डॉली, राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेवानंद और रमन शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। जलंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। ते मार दाती है प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार दीपक जलंधरी, जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु रसम क्रिया एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन श्री देवी तालाब मंदिर जलंधर के प्रांगण स्थित श्री राम हॉल में किया गया, जिसमें दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की साध्वियों ने कीर्तन कर स्वर्गीय दीपक जलंधरी की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर अजीत समाचार पत्र के मुख्य संपादक बरजिंदर सिंह हमदर्द, दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, सांसद संतोष चौधरी, उत्तम हिंदू के मुख्य संपादक इरविन खन्ना, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव ललित गुप्ता, पूर्व विधायक केडी भंडारी, पूर्व विधायक सुशील रिंकू, एलपीयू के अशोक मित्तल, डॉक्टर सतपाल गुप्ता, आप नेता दिनेश ढल,
पूर्व पार्षद भूषण कोहली, प्रसिद्ध उद्योगपति नरेंद्र सिंह सग्गू, सुदर्शन ज्योति, भाजपा जिलाध्यक्ष सुभाष शर्मा, रमन शर्मा, पूर्व पार्षद सतीश धीर, पवन धवन सहित राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय दीपक जलंधरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। तालियों की गड़गड़ाहट से संसार गूंजता रहे, लोग आपके जीवन से प्रेरणाएं पाए, आपको अपनी स्मृतियों में स्मरण रखे, आपको भी मृत्यु को प्राप्त ना हो, ऐसे मोक्ष की अवस्था को पाना ही जीवन का लक्ष्य है। लेकिन ऐसे सद्विचार, ऐसे सद्गुण तभी आते हैं जब मनुष्य आत्मा के साथ उस आत्म तत्व का बोध करता है, उस भव ज्योति का ध्यान करता है जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, आज मैं तुम्हें अपने ऐश्वर्यशाली रूप का दर्शकों से मेरा दर्शन नहीं कर सकते हो, इसलिए दिव्यों में लगाऊंगी अपने चक्षु, तुम्हें मैं दिव्य नेत्र देता हूँ, देख अपने अपने ही भीतर मेरे ऐश्वर्यशाली ज्योति स्वरूप को। हमारे जीवन का उद्देश्य इस ज्योति स्वरूप परमात्मा का दर्शन कर परिपूर्ण एक श्रेष्ठ मानव बनकर एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। मुझे बात स्मरण आ रही, कहते रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य ने उनसे कहा, गुरुदेव ये संसार बहुत भक्ति करता है, जिसको देखो धर्म कर्म के कार्य करता है, लेकिन फिर भी संसार दुखी क्यों है? वाले धर्म योगी दीपक जलंधरी जी के श्रद्धांजलि समारोह हाजिर हुए। मैं महसूस करता कि जिन्हें भी वड्डी गिनती सारे तुम इतने आए हो, वो जलंधरी जी ने बहुत चंगी तरह हर पक्षों को जानते जलंधर जी हमेशा अपने समाज में जुड़े रहे। उन्हें भी जीवन शैली विचार कर अपनी उस पर हमेशा तो अजोर चलते रहे। ये के सारे वर्ग समाज के हर तरह के वर्ग उन्हें भी पहचान सी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। फास्टवे केबल के माफिया राज और गुंडागर्दी के खिलाफ केबल ऑपरेटर्स ने सीपी कार्यालय के सामने किया रोष प्रदर्शन। गुरदीप सिंह, सरबजीत सिंह राजू और सनी गिल का पुतला फूंक की नारेबाजी। संगरूर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक चोर को किया काबू। सोने चांदी के आभूषण और एक स्कूटी की बरामद। श्री सिद्ध बाबा सोडल जी के मेले को लेकर श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट और चंडा बिरादरी ने जलंधर पुलिस कमिश्नर के साथ की मीटिंग। सुरक्षा प्रबंधों को लेकर किया विचार विमर्श। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।